रांची महानगर के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष ग्रामीण सुरेंद्र जी, सभी मंचासीन, प्रदेश के जिला के गण्यमान्य नेतागण, सभी कार्यकर्ता बंधुगण और मीडिया के मित्रों, कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ रहा है, जिन्होंने इस देश में लगभग 50-55 साल राज किया, लेकिन आजादी के 75वें साल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन ने एक ग्रामीण महिला और वो भी खासकर आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाने में जो अहम भूमिका निभाई और आज महिला राष्ट्रपति तक के शीर्ष स्थान तक पहुंची, तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे ज्यादा परेशानी महसूस हो रही है कि उन्होंने 50-55 साल के अपने कार्यकाल में कभी पिछड़े दलित आदिवासियों का केवल वोट बैंक बनाने का काम किया और वोट लेके राजनीति और अपनी सत्ता हासिल की, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर और एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी और उस पर इसके नेता कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान आया उसको मैं अपने शब्दों से भी नहीं दोहरा सकता हूं, लेकिन एक सांसद होने के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के बाद उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रपति महोदया का अपमान किया है, आज पूरे हम लोग झारखंड वासी सहित पूरा देश आज जितनी कड़ी निंदा की जाए इसकी उतना शायद कम होगा। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं सीबी सिंह को बोलते हुए और नवीन जायसवाल को भी साफ तौर पर कि बहुत ही बेशरम है कांग्रेस वाले तलवार चाटना और सत्याग्रह कर रहे हैं। जब सोनिया गांधी को ईडी ने बुलाया, ईडी के कार्रवाई को ये दिक्कत में डाल रही ईडी के कार्रवाई को, और इसके साथ ही सीबी सिंह का साफ तौर पर कहना है कि सत्याग्रह उसे कहा जाता है जो राजभवन के समक्ष जो लोग धरना देते हैं। जो कांग्रेस कर रही है वो बेहद गलत है, और खासकर द्रौपदी मुर्मू के लिए जो अधीर रंजन चौधरी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो वाकई में बेहद शर्मनाक है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।